कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शेज और मैं हूँ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और आप अगर इंशाल्लाह लगे कम से तो हस्बैंड रिवायत अपने शेज से पूछते हैं कि शेज के किचन में आज क्या बन रहा है। शेज आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हमारे किचन में लेडी फिंगर बन रही है जिसकी बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी। यानी व्यूअर्स आज हमारे यहाँ भिंडी बन रही है जी, लेडी फिंगर भिंडी बन रही है, इसकी बहुत ज्यादा फरमाइश हो रही थी कि वेजिटेबल वगैरह भी डालें आप लोग, तो हमने कहा किचन में आज हम ये बनाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत यूनिक किस्म की बन रही है, ये शोरबे वाली नहीं है जी। और ये ना भुनी हुई है, ये बीज की है। हाँ, बीज की है और ये बहुत सॉसेस में बनेगी और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और आप लोग खाएंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा और अपने कमेंट्स में हमें फीडबैक दिएगा जी। तो अच्छा शायद इसको ये जो आपने काटा है किस तरह काटा है जरा बताएं हमारे। इसको टॉप एंड टेल आपने निकाल देना है, इसके रिमूव कर देना है ताकि मैं जब इसे बनाऊंगी ना तो इसके अंदर मसाला अच्छे से जाए, जब आप खाएंगे तो आपको फ्लेवर आएगा। ये कितनी ली आपने? ये मैंने आधा किलो ली है। हाफ के जी इन्होंने ये लेडी फिंगर ली है जी। चार मैंने छोटे टमाटर लिए छोटे साइज के, बिल्कुल चार छोटे टाइप की मैंने प्याजे लिए, अंडे वाले अंडे से भी छोटी छोटी जी, फाइन बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया जी। इसको भी बाकी सामान बताया जी। ये नमक है हमारा, ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, 4 मोटे मिर्चे ले लीजिएगा और ये क्या कहते हैं गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून साबुत गरम जीरा लिएगा, 1/2 टीस्पून पाउडर मतलब पिसा हुआ जीरा लिएगा, 1 टेबल स्पून रेड मिर्चन लिएगा और अगर किसी को ज्यादा करनी हो तो ज्यादा लिएगा। ये डीसी सॉस है जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बहुत सी चीजों में आपको बताऊंगी। अच्छा, ये डीपी सॉस है, किसी भी ब्रांड का लेना जी, एचबी सॉस ले लें, डीपी सॉस ले लें, दोनों तकरीबन अगर जैसे आपको नहीं मिल रहा तो आप एचबी सॉस ले लें, दोनों एचबी वाला ले लें या बहुत सारे होते हैं सारे मतलब एक ही फ्लेवर तकरीबन 19-20 फर्क होता है, लेकिन ये कि सब में परेशान ना हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो मिले अवेलेबल हो वो ले जी। और इसके साथ बिल्कुल होटलों का टच आता है, जैसे होटल में रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वही आपको फ्लेवर वही फ्लेवर मिलेगा, वही फ्लेवर आपको यहाँ घर में मिलेगा। तो अपना टाइम बचाना शुरू करें तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये मैंने 1/2 कप ऑयल रख दिया ठीक है थोड़ा सा गर्म होने के लिए। वैसे ऑयल तकरीबन रेडी हमारा है जी, रेडी है थोड़ा सा और हाफ कप डाला है ऑयल डाला ठीक, थोड़ा सा और रेडी हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ ठीक। अभी इसको रेडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या डालना है? सबसे पहले भिंडी डालना है जी, और ये पहले हमें भिंडी फ्राई करके निकालना है इसमें से। ओके ओके, तो ये देखिए थोड़ा सा हो गया। हाँ, ऑयल की आवाज बता रही है कि ऑयल रेडी है हमारा, बहुत अच्छा फ्लेवर ये बिल्कुल ढाबे वाली स्टाइल में बनने वाली है जी। अच्छा, इसमें निकालेंगी इसमें से? इसी में निकालूंगी क्योंकि ऑयल थोड़ा सा निकलेगा उसमें से जी। तो ये इसी में करते हैं, प्लेट लगा दूंगी इसमें जी। अच्छा, उससे छन्नी से निकाल देंगे जिससे हमको जी, उससे निकालेंगे है ना। मैम इसको चला दूँ थोड़ा फ्राई, आप वो निकालने को चीज। अच्छा व्यूअर, इसको कितनी देर चलाना शेयर भिंडी को? 4 मिनट चलाना है, तो थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, 3 से 4 मिनट जी चलाएंगे तो 3 मिनट बाद आपसे मिल रहा है। देखिए ये हो चुकी है तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, ये सॉफ्ट हो गई है बहुत अच्छी से ठीक है। वो तो इसमें ऑयल आ जाएगा हमारा, हम निकाल लेंगे इसके अंदर, वो प्लेट में आ जाएगा नीचे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बन रही है जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, और आप लोग भी इसी तरह करिएगा, स्टेप जरूर फॉलो करिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा और ना फिर नहीं तो फिर रेसिपी आउट हो जाएगी, आपकी रेसिपी आउट हो जाएगी। अच्छा, इसी ऑयल में हमारे बस मसाले डालेंगे जी, इसी में हम काम करेंगे, इसी में हमारा तैयार है रेडी। ये क्या डाला? अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, जीरा दिएगा, साबुत वो ये एक मैंने साबुत रखा था एक पाउडर फॉर्म का, तो साबुत वाले एक स्टेक के डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। अच्छा, बाद में हम पाउडर फॉर्म वाला डालेंगे जी। प्याज दे दें बस, एक एक मिनट एक एक सेकेंड का डालना है, उसके बाद फिर बस हमें ये करना है। हमने थोड़ी प्याज डाल दी है, फाइन करके रखी थी, बहुत झटपट बनने वाली है, बहुत जबरदस्त बनती है, लेकिन खुशबू
और खाने में फ्लेवर वो जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और ये आप तो ये तो तकरीबन मिलती रहती है सर्दियों में, तो वैसे ही सर सब्जियाँ बहुत अच्छी आती हैं। अभी हम मीठी आलू भी देंगे आपको। अच्छा, तो मीठी आलू भी आने वाले हैं भाई, एक खुशखबरी आ गई है, मीठी आलू भी आने वाला है बहुत ही यूनिक स्टाइल में, मेथी कीमा भी डाल सकते हैं, उसी में हम समझा देंगे इस स्टेज में क्या करना है। तो मेथी आलू, मेथी कीमा हो गया, और बाकी सरसों का साग वगैरह भी आने वाला है जो प्योर प्योर यानी देहात के स्टाइल। अच्छा, हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बस सिर्फ 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करके हमें इसको ब्राउन नहीं करना है पूरा। जी बिल्कुल, जैसे ब्राउन करते हैं ना वो नहीं करना, इसको गोल्डन ब्राउन वाली शक्ल में नहीं लाना है, बस सिर्फ इसको हमने इसका कच्चापन निकालना है, बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जी, इससे ज़्यादा नहीं जाना हमें, बस जैसे ये सॉफ्ट होगी तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। हाँ, थोड़ी सी सॉफ्ट कर लें बस, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है हमें, ब्राउन तक नहीं जाना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हम ये टमाटर डालेंगे, ये हमारे टमाटर जो काट के रखे थे वो हमने डाल दिया, बहुत ही आसान बन रही है, लेकिन मुझे इसमें मसाले पड़ने हैं ना, जो सॉस डलेगा इसमें और जो फ्राई करेगी अच्छा फ्लेवर, बहुत ही हटके फ्लेवर है। अच्छा, अब हमें इसको टमाटर को मैरिनेट करने के लिए 5 मिनट के लिए हमें इसे कवर करना है, और फिर ये टमाटर गलाने के लिए 5 मिनट हम 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, लो फ्लेम पे बनाते हैं जी। हमें टमाटर को गलाना नहीं था, सिर्फ सॉफ्ट करना था, तो हमने सिर्फ 2-3 मिनट रखा है इसको, ऐसे 3 मिनट हमने इसको बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो गए, सिर्फ सॉफ्ट करना थे बिल्कुल, उसको गला वो नहीं करना था हमको, ठीक है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, फिर हम जीरा डालेंगे, वो हमने साबुत डाला था पिसा हुआ, ये पाउडर फॉर्म वाला है। अब हल्दी डालेंगे, ठीक, इसके बाद फिर बाकी स्टेप है उसको भी बता देंगे आपको, ठीक। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो फ्लेवर बढ़ता ही चले जाएगा, सब एक साथ डाल देंगे ना तो फ्लेवर में उसमें दम बढ़ जाएगा जी। अच्छा जी, जब हम सारे मसाले डालेंगे ना तो 2 चम्मच हम ये डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून में, नहीं 2 टेबल डाल, 2 टेबल स्पून सॉस डाला है इसमें, डीपी सॉस डाला है ना, आप एचपी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, जब हमने ये सब मिक्स कर लिया है तो फिर हम इसके अंदर 1 ग्लास पानी डालेंगे, 1 कप ले लें, 1 ग्लास ले लें, 1 कप पानी डालेंगे जी। शहद को अंदाजा है इसलिए आप लोग 1 कप ले सकते हैं, 1 कप आप नाप के आप लोग ले लीजिए, चाय का 1 कप होता है तकरीबन रेगुलर जी, वो आप आराम से डाल सकते हैं। फिर हम ये डालेंगे मिर्चे। अच्छा, मिर्चे ब्रेक नहीं किया आपने बीच से? नहीं, सिर्फ उसका सिर्फ ऊपर से मैंने टॉप से काटा है इसके, उसको टॉप से काटा ताकि उसका अरक निकल। नमक डालेंगे हम इस स्टेज पे, पहले नमक नहीं डालेंगे वरना फिर हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं होगा। सही, अच्छा हमें इसमें नमक बाद में डालना था, सही है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आप स्टेप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर फर्क जी कैसे भी आउट हो जाएगी। बस इसको हम आप कितनी देर के लिए? 2 मिनट 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि मसाले इसके अंदर जल्द हो जाए। 3 मिनट बाद आपको बताते हैं हम क्या होने वाला है इंशाल्लाह। ये मैंने 2-3 मिनट के लिए कवर कर दिया था, मसाले हो गए हमारे जी, इसमें मसाले जल्द हो जाए, फ्लेवर आ जाए इसके अंदर सारे चीजों में, तो फिर जो हमने भिंडी की हुई थी फ्राई की जी, तो ये डालेंगे हम इसके अंदर, जो आएगा इसके अंदर वो भी इसमें डाल देंगे। सही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नहायत ही लजीज होती है बहुत ही, ये तो पराठे से भी खा ली जाती है, रोटी से भी, चावलों से भी बाकी फरमाशी चपाती से खाने में, बारीक चपाती से तो मजा आ जाता है। देखिए आप इस स्टेज पे हम डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला अब हमारा 1 टेबल स्पून आ गया, अभी हमारी एक चीज़ और रह गई है वो भी रहेगी स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सही, चलिए आपको इसका पानी जरा सा ड्राई करना है, आपके पास दूसरे शहर में कसूरी मेथी नहीं है तो सिर्फ मेथी सूखी डालना, सही है,
मेंशन है, बहुत अच्छी खुशबू है। हमारे शहर में तो कसूरी मेथी मिल जाती है, यहाँ अगर कहीं सूखी मेथी है तो आपको सूखी मेथी डालना, लफ्ज कसूरी का भी वो नहीं है। ये रेडी हो गई है, तो अब आपको आपकी पूरी रेडी हो गई है, इसको दिखाएं आप कैसी इसको रेडी हो गई है, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, शायद ये हमारी पूरी रेडी हो गई, फुल रेडी है जी। चलिए बस है, अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मजे का मसाला होता है इसका, आपको बताते हैं डिश आउट करके। आप हमारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी हमारी रेडी है जी, हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है और इसको हम अब नहीं चखना चाह रहे क्योंकि बस पराठे से ही खाएंगे, इसमें पराठे से ही खाएंगे इंशाल्लाह। चावल भी हमारे रेडी है, देखते हैं क्या होता है। और व्यूअर्स ये है कि इंशाल्लाह आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही आसान झटपट बनी हुई है, यकीन करें बस ये आप खाएंगे तो आपके किचन में पहले ही खुशबू आ जाएगी, जब बन रही होगी ना तो अंदर तक उसकी खुशबू जा रही होगी। छोड़ के आपकी ये सब्जी पसंद आपको इंशाल्लाह ऐसी सब्जियां देंगे इंशाल्लाह, तो आई होप के इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी होगी। तो इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए आने वाले सब्सक्राइब करें। तो आप क्या कहना चाहेंगी शायद जी? बस आप लोगों का प्यार होता है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स को कमेंट्स करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।